हाय गाइस, आज के टाइम पे जाओ और मार्केट में ना छोटे अच्छे फोन ढूंढ के दिखाओ एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर, आपको नहीं मिलेंगे। इसके पीछे के दो रीजन है। आज के टाइम पे लोगों को बड़ी स्क्रीन ज्यादा पसंद आती है, उनको लगता है कि हम पे कर रहे हैं तो जितनी बड़ी चीज होगी उतना अच्छा है। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। और दूसरा लॉजिकल रीजन ये हो सकता है कि अगर आप बेस्ट प्रोसेसर लगाने जाते हो छोटे से फॉर्म फैक्टर में, तो हीटिंग कंट्रोल करना ब्रांड के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं ना आप लोगों से S22 के बारे में बात करूंगा। इस फोन को जो है ना हमारी टीम ने टेस्ट करा है और मुझे कुछ बातें आप लोगों को बतानी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात, अभी मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो इस फोन का प्राइस जो है 65,000 rupees के आसपास रहता है, और इसी प्राइस सेगमेंट में हमें OnePlus 10 Pro मिलता है। और S22 और OnePlus 10 Pro को साइड बाय साइड ऑन पेपर कंपेयर करोगे ना तो बुरी तरीके से Samsung हार जाएगा। तो आज की वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा इस छोटे फोन के बारे में कि इसने हीट कराया फिर नहीं, या फिर कैसा एक्सपीरियंस इसने प्रोवाइड करा, क्योंकि प्लीज इसको OnePlus के साथ कंपेयर मत करना, ये डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे रिव्यू वाली वीडियो बनाता रहता हूं, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। इस छोटे फोन फैक्टर का सबसे पहला एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसको जेब में कैरी करते हो ना तो फील नहीं होता, और ये बहुत अंडररेटेड चीज है, क्योंकि आज के टाइम पे जितने बड़े फोन आ रहे हैं वो पॉकेट से बाहर निकलते हैं, खासकर जब आप जींस पहनते हो। इस चक्कर में अगर आपकी बॉडी इंक्लाइन करती है कभी भी बैठे हुए, तो काफी चांसेस होते हैं कि आपका कोई भी बड़ा फोन जो है जेब से बाहर निकल जाता है। जब मैंने इसको यूज करा तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही थी। और सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी मेरी, जब मैं बेड पर लेटकर आराम से कोई भी कंटेंट देख रहा था या फिर चैट कर रहा था, यार एक हाथ में फोन आ जाना ना और आराम से यूज कर पाना, ये सच में एक कंफर्ट वाली बात है। फिर से बोलूंगा, एक्सपीरियंस वाली बात है, क्योंकि जब मैं कॉल भी कर रहा था ना तो भाई काफी कंफर्टेबल था इसको यहाँ पर कान पे लगाना। ये तो बड़े फोनों की आदत इतनी ज्यादा हो गई थी कि बहुत ऑड लग रहा था इस फॉर्म फैक्टर को यूज करना। एक चीज सुनना, अगर मैं बोलूं एक फोन 167 ग्राम का है, आपके माइंड में सीधा आएगा ना कि ये तो बहुत हल्का फोन है। ये 167 ग्राम का है, लेकिन ये हल्का फील नहीं होता है, क्योंकि इसको डेंस बना दिया ना, छोटा बना दिया है, तो एक हेफ्ट फील होती है जो कि सच में इसको एक प्रीमियम फील देती है। ना कि मैं बोलूंगा लाइट वेट होना बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये सच में एक छोटे फॉर्म फैक्टर में जब आप एक हेवी सी चीज पकड़ते हो ना, वो प्रीमियम एक्सपीरियंस वाली बात है। जल्दी से कुछ पॉइंट्स बताता हूं। इसके स्पीकर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका काफी अच्छा है। अगर ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर से कंपेयर करोगे ना, तो ये वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर ज्यादा फास्ट खुलता है, और इस फोन के बेजल्स और पंच होल कैमरा काफी ज्यादा छोटा है, तो ये भी एक एक्सपीरियंस एनहांस करता है। लेकिन मुझे एक ही जगह पे शिकायत है, वो है इसके वाईफाई सिग्नल में। मैंने फील किया कि जो मेरा रूम है वहां पर वाईफाई की स्ट्रेंथ इसमें इतनी नहीं दिखती जितने बाकी फोन दिखा देते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने काफी सैमसंग के फोन्स में फील करी है। और इसकी डिस्प्ले पे स्क्रैचेस आते हैं, मेरे पे काफी सारे आ गए, तो मैं तो बोलूंगा स्क्रीन गार्ड लगा लेना। और इन केस अगर आप चाहो बिना केस के फोन यूज करना, तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि ना बैक पैनल पे एक भी स्क्रैच है ना ही फ्रेम पे है। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि व्हाइट कलर पे स्क्रैचेस ना दिख रहे हो, तो ये ध्यान रखना भाई। अब कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर होने की वजह से 6.1 इंच की डिस्प्ले मिलती है, और यहां पर मैं बोलता हूं कि भाई अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में देखने जाते हो तो Xiaomi 12 Pro और OnePlus 10 Pro जो है हमें क्वाड HD दे रहा है, और इस फोन में मैक्सिमम फुल HD देखने में मिलती है। और अगर बाय चांस Samsung ने इसमें 2K रेजोल्यूशन दे दिया होता ना, ये फोन एक घंटा भी नहीं चलता, ऐसा मेरा मानना है हैवी यूसेज में। बैटरी डिपार्टमेंट तक का वेट करो, जरा डिटेल में बताऊंगा। वैसे अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि भाई कहीं पे भी मुझे शार्पनेस की कमी महसूस हुई या फिर कंटेंट में कहीं पे भी दिक्कत हुई। मेरे हिसाब से फैंटास्टिक डिस्प्ले है जो कि एक्सीलेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। और अगर ब्राइटनेस की मैं बात करूं ना, तो मैंने सनलाइट में इसको यूज करा है, मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। जो S22 प्लस है और S22 अल्ट्रा जो इससे महंगे फोन है, उनमें 1750 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है और इस फोन में 1300 निट्स की मिलती है। इंटेंशनली आई थिंक डाउन करी है कुछ चीजें, तो यहां पर कॉस्ट कटिंग बोल लो या फिर बैटरी को बचाने के लिए बोल लो, कुछ भी हो सकता है। देखो, अगर नंबर और फैक्ट्स को साइड में रखकर मैं आपको सिर्फ अपना ओपिनियन बताऊं, तो मेरे हिसाब से भाई डिस्प्ले में मुझे कमी लगी नहीं, बस वो मेरा काम है आपको ये सारी बातें बताना, मैं इसलिए बता रहा हूं। लेकिन एक फैक्ट मैं जरूर बताना चाहूंगा, अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूं तो उसका एक्सपीरियंस बहुत मिक्स्ड बैग है। मुझे नहीं पता भाई सैमसंग में इतना कॉन्फिडेंस क्यों आया। अगर पिछले साल से कंपेयर करता हूं, S21 में 4000 mAh थी, यहां पर 3700 mAh की बैटरी दी है, भाई बहुत ज्यादा बोल्ड और या फिर कहूं वियर्ड मूव था। और जब मैंने इस फोन को हैवी यूसेज करा तो 3 hours 47 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम मिला। अब मे बी आप मेरे से बोलोगे कि भाई ये तो सेम बैटरी लाइफ है जो Xiaomi 12 Pro या फिर OnePlus 10 Pro देता है, लेकिन ये गलत कंपैरिजन है, क्योंकि Xiaomi और OnePlus जो है हमें क्वाड HD रेजोल्यूशन देता है, और ये फुल HD होने के बाद ये बैटरी बैकअप देता है। ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि ये
छोटा फोन है चीजें पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज मैं सैमसंग के फेवर में बोल सकता हूँ कि स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 जो है सुपर पावर हंग्री प्रोसेसर है, नहीं आता भाई उसमें बैटरी बैकअप। सैमसंग वालों ने ऑप्टिमाइज किया है, मेरे हिसाब से अप्रिशिएट करने वाली चीज है, बस इतना ही बोलूंगा। एक और बात बताना चाहूंगा, अगर आप एक लाइट यूजर हो मेरी तरह तो आपको 5 घंटे 16 मिनट का स्क्रीन टाइम मिल जाएगा, जो कि बहुत फेयर इनफ वाली बात है। और नो डाउट इस फोन को जो है डेली आपको चार्ज करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी यूज करो। और चार्जिंग से मुझे याद आया, मैंने 100% जो है फास्ट चार्जिंग को मिस करा है, क्योंकि ये 25 वाट से ऊपर चार्ज नहीं होता और इसको फुल चार्ज होने में 1 घंटे 15 मिनट लगते हैं। और इसलिए मैं कह रहा था इसको Xiaomi और OnePlus से कंपेयर मत करना, क्योंकि वहां पर 80 वाट 120 वाट मिल रहा है। 25 वाट सुनने में 100% छोटा नंबर है। और टेकी लोगों के लिए आइडियल ड्रीम की बात कर लेते हैं, वैसे अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करके देखोगे तो 4% रहता है, और वैसे विदाउट ऑलवेज ऑन 3% रहता है। और अगर आप इस फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हो ना, तो एक बात माइंड में रख लेना, जैसे आपके फोन पे 5% बैटरी दिखनी शुरू हो जाएगी ना, फिर वो बहुत जल्दी डेड हो जाएगा आपका फोन। ये 5 से 0 बहुत जल्दी होता है। मे बी आपको ये सारी बातें सुनने के बाद हो कि भाई संचित क्यों रिकमेंड कर रहे हो इस फोन को, इसके पीछे का रीजन है सॉफ्टवेयर। जब आप सैमसंग की वन यूआई यूज करते हो ना, तब आपको फील होता है कि भाई मैंने 65,000 रुपए के आसपास ठीक पैसा दिया है। इसके पीछे का रीजन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्टेबल तो रहता है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, फीचर्स भी बहुत रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी पैच अपडेट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर जून का सिक्योरिटी पैच अपडेट इसमें आ चुका है। प्लस यहाँ पर सैमसंग ने प्रॉमिस करा है कि 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट भी देंगे, जो मेजर रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे वन प्लस और Xiaomi जो है फिक्स तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं दे पा रहे हैं। इन शॉर्ट दे आर नॉट प्लान्ड इनफ। और आज के टाइम पे ना एंड्रॉइड वर्सेस iOS पे बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं लोग ट्विटर पे। मुझे फॉलो कर लो वैसे ट्विटर पे, अगर नहीं किया तो। अच्छा मैं बताता हूँ, अगर आप सैमसंग का फोन यूज करते हो तो आपको स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे प्रॉपर प्रोसेसिंग मिलेगी इमेज की, अगर आप फोटो खींचते हो तो। साथ में आप टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड लेंस भी यूज कर सकते हो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे, तो ऐसा नहीं है कि iOS ही ऐसी प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर है वो काफी बार हीट कर जाता है इस फोन में, क्योंकि छोटा फॉर्म फैक्टर है ना, और हीट करने के बाद जब आप कैमरा UI को यूज कर रहे हो तो कैमरा ऐप को, तो वहां पर दुनिया भर के लैग या फिर जिटर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां से जो है हमें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा सा लाइक बुरा मिलता है। बट स्टिल मैं बोलूंगा इतना छोटा फोन होने के बाद भी ये परफॉर्मेंस और हीट जो है अपने लेवल पे ठीक से मैनेज कर रहा है। ये नहीं मैं कह रहा कि ये बिल्कुल भी हीट नहीं करता भाई, वार्म ये 100% होता है। वार्म और हॉट में एक डिफरेंस है, प्लीज ध्यान रखना। काफी बार ऐसा हुआ है कि मैंने कैमरा जो है बहुत हैवीली यूज करा है और ऊपर वाली साइड से फ्रेम गर्म हो गया, तो ये चीजें फ्रीक्वेंटली मुझे देखने को मिली। बट इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ कि मेरा यूजर एक्सपीरियंस हैम्पर हो गया। काफी फोन ऐसा करते हैं कि हीट होने के बाद कहते हैं कैमरा ऐप नहीं खुलेगी या फिर रीबूट करने के लिए बोलते हैं, ये चीज इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको सेफर साइड बोल सकता हूं। और अगर मैं बोल्ड स्टेटमेंट बोलूं तो कुछ टाइम बाद मैं यूज टू हो गया था इस हीट से। ऑब्वियसली अगर आप केस लगाओगे तो मे बी इस हीट के बारे में आपको पता ना लगे, बट हाँ मेरा काम है आपको बताना कि इसके अंदर आपको हीटिंग रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेगी, और ये कॉम्प्रोमाइज आपको हर एक छोटे फोन के साथ मिलेगा। और अगर आपके माइंड में आता है कि गेमिंग की सिचुएशन क्या है, अगर आप लंबे समय तक गेमिंग करते हो तो हीटिंग कैसी है, तो हाँ आपका फ्रेम गर्म होगा, बट फॉर्म फैक्टर छोटा है, काफी हल्का रहता है फोन, बट गेम जो है बिल्कुल ठीक से चल जाता है, ऐसा मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। प्लस जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ के टास्क थे ना, उनके बारे में तो मुझे सोचने की भी नीड नहीं है। जो रैम मैनेजमेंट होती है या फिर ऐप स्विचिंग होती है वो सब कुछ स्मूथ रहा। और अब कैमरे की बात करते हैं, और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो इसमें कैमरा सेटअप है ना वो S22 प्लस में भी देखने में मिलता है, 50+, 12+, 10 का। और जब मैंने कंपेयर किया था S22 प्लस को iPhone 13 के साथ, S22 प्लस ने उसको बीट कर दिया था। तो भाई ये कैमरा सेटअप से मेरी उम्मीद बहुत थी, तो मैंने उस हिसाब से इसको टेस्ट करा, और फॉर्चुनेटली एक चीज में तो भाई ये बिल्कुल खरा उतरा है, वो है कलर शिफ्ट के अंदर। अगर आप 3x अल्ट्रा वाइड और मेन कैमरे की फोटोज देखते हो तो यहाँ पर कलर डिफरेंस ना के बराबर है। और अगर फोटोज की बात करूं तो सैमसंग ने इस बार जो है नया कैमरा सेंसर यूज करा है, और मैंने जब इसको टेस्ट करा तो सैचुरेशन तो ऑन पॉइंट रहती है, शार्पनेस भी काफी अच्छी है। इनफैक्ट HDR का एक एग्जांपल देखो, ये लीव वाला, और उसके पीछे भाई बहुत सी HDR रहता है। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि HDR जो है काफी बार हिट और मिस भी हुआ है, तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट मिले हैं। सेम सीन के मैं आप लोग को दो फोटोज दिखाता हूं, ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिले, तो ऑब्वियसली HDR जो है इनकंसिस्टेंट तो है। एक बात कहनी पड़ेगी कि इस साल सैमसंग ने ना पोर्ट्रेट मोड में बहुत जबरदस्त काम किया है, जो यहां पर पीछे ब्लर या फिर जो एज डिटेक्शन है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहती है।
साथ में जो स्किन टोन है उसमें एक पॉप रहता है और मुझे पर्सनली वो पसंद आया पोर्ट्रेट के लिए, खासकर 3x ऑप्टिकल जूम पे भाई ये फैंटास्टिक परफॉर्म करता है। और एक बात मुझे याद आई इससे, 3x ऑप्टिकल जूम पे जब भी हम फोटो खींचते हैं ना तो एक शटर लैग रहता है और वो बहुत मेजर सा है, क्योंकि जैसे ही आप फास्ट मूविंग कोई भी सब्जेक्ट की फोटो खींचने जाओगे ना तो वो काफी हद तक ब्लर आएगा ही आएगा। और मैं कभी भी अननेसेसरी तारीफ नहीं करता किसी भी कैमरे की, लेकिन इसकी करूंगा खासकर अल्ट्रा वाइड में, क्योंकि इतनी अच्छी कॉर्नर शार्पनेस लेकर आता है ये। नॉर्मल फोन अगर आप देखने जाओगे ना उसके मेन कैमरे भी ऐसी फोटोज नहीं खींच पाते, ऊपर से जो इसका HDR है, कलर्स वगैरह है, मुझे अल्ट्रा वाइड बहुत अच्छा लगा। और आज मैं फिर से वही लाइन रिपीट करूंगा कि मेगापिक्सल मैटर नहीं करते, क्योंकि सेल्फी जो है 10 मेगापिक्सल की है। और आप एक बार सैंपल देखो, मेरे को कोई बताओ भाई शार्पनेस में कमी हो तो या फिर कलर्स में कमी हो तो, सच में मेगापिक्सल मैटर नहीं करते, बस सेंसर अच्छा होना चाहिए। इनफैक्ट मैं इस हद तक बोल सकता हूं कि अगर आप एक सेल्फी लवर हो तो आपको ये कैमरा बहुत सेटिस्फाई करेगा। और जब मैं लो लाइट फोटोज को टेस्ट करने गया ना, मैंने तीनों लेंस से टेस्ट करा है और एक बात मैंने नोटिस करी कि अल्ट्रा वाइड जो थोड़ा डार्कर साइड रहता है, बट तीनों कैमरा के जो नाइट मोड है वो बहुत डिटेल निकाल लेते हैं, खासकर शेडो रिटेंशन भी उनकी बहुत सही है, नाइट फोटोग्राफी में कोई शिकायत नहीं। और इस फोन में ना 30x का डिजिटल जूम है और ये मून शॉट देखो मेरे हिसाब से 65,000 रुपए के फोन के हिसाब से अच्छा रिजल्ट है। और नो डाउट एक्साइटमेंट लोगों की तब बूस्ट होती है जब पता लगता है कि छोटा फोन जो है 8K रिकॉर्ड कर सकता है, एक्चुअली में ह्यूज डील है। वैसे अगर मैं वीडियो की बात करता हूं ना तो आप खुद देखो रिजल्ट्स, मेरे हिसाब से स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है, प्लस HDR कलर्स वगैरह भी बहुत सही रहते हैं, बहुत नेचुरल सीन मेंटेन करने की कोशिश करता है, कोई भी ओवर सेचुरेशन नहीं है या फिर शेडोज को अप करना अननेसेसरी, ऐसा मेरे को बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। मैं ये तक बोल सकता हूं अगर आप 65,000 रुपए के फोन देखने जाते हो ना, बाकी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग इसी की मिलेगी। ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अल्ट्रा वाइड और टेली से भी आप 4K 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो और वहां पर भी आउटपुट बहुत सही रहता है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस साल सैमसंग ने जो है ना पोर्ट्रेट मोड में बहुत अच्छा काम किया है, सेम पोर्ट्रेट वीडियो का भी अच्छा काम है, जो बैकग्राउंड का और सब्जेक्ट में डिफरेंस है ना उसको क्रिएट करना आता है और अच्छी फुटेज रिकॉर्ड कर लेता है। ऊपर से फोन जो है नाइट में भी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर पाता है, जो डिटेल्स वगैरह हमें चाहिए ना ये निकाल लेता है एक छोटा फोन होने के बाद भी। इनफैक्ट नाइट में जो है ना अल्ट्रा वाइड और टेली भी बहुत सही काम करता है। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं अगर आप OnePlus से भी कंपेयर करते हो ना, OnePlus भी जो है ना फ्रंट कैमरे में 1080p पे कैप्ड है, बट ये जो है 4K दे रहा है, तो ये चीजें जो है ऑब्वियसली अप्रिशिएट करने वाली है और तभी मैंने इसको बेस्ट वीडियो के लिए बता दिया इस प्राइस सेगमेंट में। और आजकल जो है व्लॉगिंग का कल्चर भी काफी ज्यादा चल रहा है, तो भाई जिसको छोटे फोन चाहिए हो व्लॉगिंग के लिए इसको पक्का कंसिडर कर लेना। कंक्लूजन की बात करते हैं कि एग्जैक्टली में फोन है कैसा। मैंने कितनी सारी बातें आप लोग को बता दी कि इसके अंदर माइनर हीटिंग इश्यूज भी दिखे मेरे को, बैटरी बैकअप भी इतना एज सच मतलब ग्रेट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इसको OnePlus और Xiaomi से ऑन पेपर कंपेयर करने गए तो भाई ये जो है स्पेसिफिकेशंस में भी हार जाएगा। एक्चुअली में बात ये कि मैंने इस वीडियो में बार बार एक वर्ड यूज करा है, एक्सपीरियंस। जो ये एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा रहा है ना आपको एक छोटे फॉर्म फैक्टर से, जो कंफर्ट आपको दे रहा है, अच्छे सॉफ्टवेयर, अच्छी ब्रांड वैल्यू, अच्छा कैमरा, मतलब काफी चीजें अच्छी है भाई, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी एक छोटे से पैकेट में। तो नो डाउट जिसको एक छोटा फोन चाहिए तो ये बेस्ट फोन अवेलेबल है जो कि बेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। और ये फोन फिर से मैं रिपीट करूंगा एक्सपीरियंस डिफरेंट लेवल पे प्रोवाइड करता है और मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इस फोन को यूज करके। हो सकता है कि शायद मैं अपने लिए ये खरीदता क्योंकि मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स से आईफोन 13 प्रो पे आया सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फैक्टर की वजह से, और ये आज नहीं तो कल लोग समझ जाएंगे कि भाई बड़े फोन हमेशा बेटर नहीं हो सकते, खासकर कंफर्ट में। बाकी आप लोग बताओ क्या आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो। मैं सच में इस बार आप लोग के कमेंट्स पढ़ने के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप ये वीडियो किसी भी कॉन्ट्रोवर्शियल वे में ना जाए। और ऐसी वीडियोस और देखने तो आप यहां से और यहां से देख सकते हो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।